तथागत ने दिया मानवता का संदेश, भिक्कुओं ने दिया उसका उपदेश, और उससे मिला दुख मुक्ति का मार्ग। यूसी बुद्धा की खास पेशकश। भदंत धम्म सारथी के शब्दों से सुनिए धम्म उपदेश। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। महाकारुणिक, दुनिया के श्रेष्ठतम तथागत बुद्ध, छत्रपति शिवाजी राजे, माता जिजाऊ, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, छत्रपति शाहू महाराज, भारतीय संविधान के शिल्पकार, बुद्धायन धम्मा ग्रंथा के निर्माता, विश्व के ज्ञान के प्रतीक महामानव बाबा साहब अम्बेडकर, माता रमाई, सभी महामानव को मैं अभिवादन करता हूँ। मेरे गुरु, मेरे आचार्य भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश साई, उनको मैं नमन करता हूँ। यूशियन बुद्धा चैनल देखने वाले सभी श्रावक संघ सबका अभिनंदन करता हूँ, और अपने धम्म देशना को मैं शुरुआत करता हूँ। अभी जो सिद्धार्थ गौतम और जो राजा बिंबिसार से जो चर्चा हो रही, सिद्धार्थ गौतम जो राजा बिंबिसार को एक जवाब दे रहे हैं, इस जवाब आपके सामने मैं अभी रखता हूँ। इसके पहले भी रखा, और ये बहुत ही अच्छी तरह से जो उन्होंने जवाब दिए, ये काफ़ी उद्बोधक है, काफ़ी परिणाम करने वाले जो है, इससे हमारे बच्चों को संस्कारित करना है। ये जो मैंने इतने भी जो प्रबोधन दिए, वो तरुण जो बच्चे हैं उनको संस्कारित करने के लिए मैंने आपके सामने रखे हैं। तो आपको इस, आप स्वयं सुनकर बच्चों को आप उसको प्रशिक्षित कीजिए, बच्चों पे अभी संस्कार कीजिए, ताकि बच्चे आगे बढ़कर माँ बाप की बात माने और अपना जीवन में कल्याण करें। जैसे मन की प्रवृत्ति है, चित्त की जो प्रवृत्ति है, उस बारे में अभी आपके सामने बात रखेंगे कि जो भोग विलास की प्रवृत्ति है, एक प्रवृत्ति है, जो भोग विलास की प्रवृत्ति है वो हमेशा उसी में लगा रहता है, भोग विलास में लगा रहता। जैसे कि कोई शराब की आदत है, देहात में जाएगा, गांव में जाए तो पहले ढूंढेगा को शराब का दुकान किधर है, किस, तो उसकी जो प्रवृत्ति है, जो जिस पर प्रकार जैसे जुआ खेलने के प्रवृत्ति है उसकी जीवन में, तो जाएगा तो है क्या, कहीं अड्डा वड्डा है या कुछ, तो उस बारे में सोचेगा। तो ये जो प्रवृत्ति है वो आदमी की प्रवृत्ति जो है, आदमी को खींच के ले जाती है, उस तरफ ले जाती है, क्योंकि प्रवृत्ति इस तरह से बन जाती है। तो हम ये भोगविलास की जो प्रवृत्ति है वो अनित्य है। जब ये हमें समझ में आएगा कि जितने भी भोगविलास है, जितने भी आदमी को आकर्षित करने वाली चीज़ें हैं, जितने भी आदमी के मन को विचलित करने वाली चीज़ें हैं, जितने भी आदमी के जीवन में बुरा प्रभाव डालने वाली चीज़ है, वो चीज़ें भी अनित्य है। हम इसको अपनाते, अपनी समझते, अपनाते उसको, कि उसके ऊपर हम पूरा जान छिड़क देते, लेकिन वो चीज़ें है अनित्य है, वो चीज़ें आपसे छूटने वाली है, ये चीज़ें बदलाव होने वाली है, एक जैसी सब चीज़ें नहीं रहने वाली है। तो इसलिए हमें उसको भोग विलास का नाम नहीं देना चाहिए। हम गलत समझ रहे हैं,
कि ये भोग विलास की चीज़ें, हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं वो भोग विलास की चीज़ें बिल्कुल नहीं है। हम उसको भोग विलास का नाम हमने नहीं देना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं वो भोग विलास की चीज़ें नहीं है। उसके ऊपर हम अपना आनंद, उसके द्वारा हम आनंद निर्माण नहीं कर सकते। ये दुख निवारण के साधन है, भोग विलास के साधन नहीं। क्योंकि ये जो साधन है, बाह्य साधन, ये जो है कभी आनंद निर्माण करती है थोड़े दिन के लिए, कुछ समय के लिए आनंद निर्माण करती है, लेकिन बाद में वही चीज़ें हमको पीड़ा देती है। जो चीज़ें हमारे भोगविलास की चीज़ें जो हमारे लिए आनंद देती है कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए, लेकिन वही बाद में हमें पीड़ा देती है, पीड़ादायक बन जाती है। इसलिए हमने इस बारे में सोचना चाहिए कि जो सांसारिक सुखों में, जो संसार के सुखों में, भोग विलास में के जो लोग शिकार हुए, जिनकी प्रवृत्ति शिकार हुई है, जो उस विलासी प्रवृत्ति के बन गए, वैसे लोग जो है जो विलासी प्रवृत्ति के बन गए, जो आसक्त, उनका चित्त जो आसक्ति में डूबा हुआ है, जिनका चित्त तृष्णा में डूबा हुआ है, ऐसे जो लोग स्वार्थ में डूबे हुए हैं, ऐसे लोगों का जो चित्त है, विलासी चित्त जो है, वो कभी प्रसन्न नहीं होता, कभी प्रसन्न नहीं होता। वो बोलेंगे कि और लाओ और लाओ, ये अच्छी चीज़ है, मैंने उसका उपभोग लिया, अब दूसरा इससे अच्छी चीज़ लाओ, उसका उपभोग लेना है, मुझे ये अच्छी चीज़ मिले, दूसरा और लाओ। तो इस तरह से ये तृष्णा जो है, तृष्णा कभी ज़िंदगी पे ख़त्म नहीं होती। आदमी बूढ़ा हो जाएगा लेकिन तृष्णा बूढ़ी नहीं होती, तृष्णा आसक्ति बढ़ते रहती है। इसलिए ये जो भोग विलास की चीज़ें हैं, इसके जो इसके शिकार हुए लोग हैं, इससे जो मानसिक इनकी जो प्रवृत्ति बदल गई है, ऐसे लोग जो है प्रसन्नता जीवन में कभी प्राप्त नहीं करते, उनके जीवन में कभी प्रसन्नता नहीं आती है। इसलिए हमें मानसिकता को चेंज करना है, मानसिकता को ही बदलाना है। और वो मानसिकता कब बदलेंगे हमें युवाओं की, जब इसके बारे में हम चिंतन करेंगे, गहराई से चिंतन करेंगे, और जब ये विचार सही है क्या, गलत है क्या, इस बारे में हम चिंतन करेंगे, तभी हमारी गलती हमारे सामने आ जाएगी। हम ही हमारे गलती को, हमको पकड़ना है गलती, हमारे गलती को दूसरा पकड़े, उसके पहले हमारे गलती को स्वयं पकड़ के गलती को सुधारना है, उस गलती को हमें सुधारना है। सुखों की कामना करने वाले की, जो सुखों की जो हमेशा कामना रहती है कि ये सुख मिलना चाहिए, वो सुख उससे भी ज़्यादा सुख मिलना चाहिए, उससे भी ज़्यादा सुख मिलना चाहिए, किसी को समाधानी वृत्ति नहीं है, तो ऐसे जो लोग हैं जो उनकी प्यास बढ़ते जाती है और उसकी प्यास कभी ख़त्म नहीं होती। इसलिए आदमी ने जो समाधानी वृत्ति होना चाहिए, संतुष्टि तक, यानी हमारी प्रवृत्ति संतुष्ट होना चाहिए, समाधानी वृत्ति होना चाहिए। अरे हमारी जो हमारे बच्चे जैसे भी है, किसी के बच्चे गोरे हो गए, किसी के बच्चे काले हो गए, किसी के बच्चे ठेंगने होंगे, किसी के बच्चे ऊंचे हो गए, जैसे भी बच्चे हैं, जैसे भी हमारे जो है, वो हम समाधानी है, नहीं मेरी बेटी गोरी होती, अच्छी होती तो उसको अच्छा मिल जाता था, ये हो जाता था, इसमें हम, या फिर कोई लड़के अपने को खुद को ये कर लेते कि मैं ऐसा होता तो मेरे जीवन में और खूब सुख मिलते, इस प्रकार की जो बातें हैं वो गलत है। हम जैसे जिस स्थिति में है उसी पे हमको विचार करना है, जिस स्थिति में जैसी स्थिति है उसी स्थिति पर हमें चिंतन करके उस चीज़ों पर समाधान प्राप्त करके आगे के लिए जर्नी करना है, आगे के लिए प्रयास करना है। इसी पे समाधानी वृत्ति से सोच करके उन्नति और करना है और विकास करना है। अगर हमारी असमाधानी प्रवृत्ति रही तो हम हमेशा दुखी रहेंगे, तो दुख में हमेशा दुख बढ़ते हैं और आनंद परिश्रम से हमेशा जीवन में आनंद आता है।
तो हमें इसके बारे में सोचना है कि जो है समाधानी वृत्ति आदमी की होना चाहिए, और समाधानी वृत्ति करके हमने आगे प्रगति करना चाहिए। गलत बातों को हमने नहीं आना, जो चीज़ हमारे पास है उसी में हम समाधान रहे, समाधानी रहे। मकान बड़ा बनाएंगे लेकिन अभी जो हमारे पास मकान है, जो स्थिति हमारी आर्थिक स्थिति जो है हमारी, इसी आर्थिक स्थिति को हम मजबूत बनाते हुए आगे प्रयास करेंगे तो हमारी आर्थिक स्थिति भी आगे बढ़ेंगी, अच्छी हो जाएंगी। लेकिन हम दुखी होंगे कि हमारे झोपड़ा है, हमारे ये है, हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तो दुख से और दुख बढ़ेगा। तो हमें जो वास्तविकता है उसको पहले स्वीकार करना है कि हमारी वास्तविकता है, हमारे पास इतना पैसा है, ऐसा मकान है, ऐसी स्थिति है, इससे अभी आगे बढ़ना है, ऐसे आगे बढ़ना है, दुखी रहना नहीं है। इसलिए समाधानी वृत्ति ये हमारे लिए आवश्यक हो जाती है। तो हर किसी के लिए योग्य है कि चाहे जैसे इसने बताया कि राजा बिंबिसार ने बताया कि बुढ़ापे में धर्म करना चाहिए, युवावस्था में एंजॉयमेंट करना चाहिए, मध्य अवस्था में संपत्ति को प्राप्त करना चाहिए, और जो बुढ़ापा आता है बुढ़ापे में धर्म करना चाहिए, धर्म का काम करना चाहिए, वो भी यज्ञ का कर्म करना चाहिए, ऐसे बातें बताएं। लेकिन सिद्धार्थ गौतम ये कहते हैं कि तरुण हो या वृद्ध हो, हर किसी के लिए ये योग्य है कि अच्छा आचरण करे, योग्य व्यवहार करे, उचित व्यवहार करे, चाहे बूढ़ा हो, चाहे तरुण हो, चाहे युवा हो। अभी जो लड़के हैं अपने, उनको आप बोलेंगे कि आप 10 साल के एंजॉयमेंट करो, आप 12 साल के एंजॉयमेंट करो, ऐसा हम नहीं बोलेंगे। तो हमको बोलना है कि अच्छा व्यवहार सीखो, अभी से अच्छा व्यवहार सीखेंगे तो आपकी आगे तरक्की हो जाएंगी। इसलिए ये नहीं कि ये समय एंजॉयमेंट का है, ये समय पे हम ये नहीं, हमेशा कोई भी समय हर समय हमें उचित विचार करना चाहिए, योग्य विचार करना चाहिए, और तत्परता से हमें सदाचारों पे अच्छे शीलाचरण से हमें काम करना है, तत्परता से काम करना है। गौतम ने ये का बात कही, सिद्धार्थ गौतम ने, जो यज्ञ में बलि दी जाती है तो उसके बारे में जो उन्होंने यज्ञ की बात कही थी उसका उत्तर देते समय सिद्धार्थ गौतम ये कहते हैं कि यज्ञ के बल जो यज्ञ करते हैं उसमें बलि देते हैं, वो बलि किसके लिए देते, कुछ फल प्राप्त होगा। बलि ऐसी नहीं देते, बलि इसलिए दी जाती है कि कुछ फल प्राप्त होगा, कुछ मुझे हमें मिलेगा। तो जैसे लोगों ने पुराने ज़माने में जैसे कि जैसे जैसे उनको बताया, जैसे प्रचलित व्यवस्था थी उस समय की व्यवस्था के अनुसार यज्ञ करने से बहुत बड़ा फल मिलता है, बहुत बड़ा सुख मिलता है, इस बात करते थे उस समय। तो उस समय की बात है, उस समय सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि जो बलि चढ़ाने से, किसी की बलि देने से कोई भी बड़ा फल मिलता हो, वो कहते हैं कि कोई भी बड़ा फल मिलता हो, लेकिन मैं ये फल नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं किसी भी एक निरागस प्राणी की हत्या नहीं चाहूँगा, चाहे उसकी हत्या करने से मुझे कोई भी बड़ा फल मिलेगा, वो बड़ा फल मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे वो जो निरागस प्राणी जो बलि दी जाती थी वो बलि मुझे देना नहीं है।
किसी भी भावी फल के लिए मैं ऐसा कर्म नहीं करूँगा। किसी भी भावी फल हो, कोई बोलेंगे कि स्वर्ग में आपको जगह मिलेंगी, आप ऐसा नहीं करेंगे तो नरक में चले जाएंगे। तो सिद्धार्थ गौतम उस समय कहते कि कोई भी अच्छा फल मिलने दो, भावी फल यानी मुझे स्वर्ग में जगह मिलने दो, मुझे कहीं भी जाने का ये मिलने अच्छा फल मिलने दो, लेकिन मैं इस फल के लिए मैं किसी प्राणी की, निरागस प्राणी की हत्या नहीं सहन करूँगा, मैं देख नहीं पाऊँगा और मैं नहीं चाहूँगा कि किसी की बलि हो। और यदि सच्चा धर्म है, कहते हैं कि सच्चा धर्म यही है, सच्चा धर्म ये है कि सदाचरण का धर्म है। अभी देखो, कोई भी ऐसे कर्मकांडों से लोग तो करते हैं, कर्मकांडों से आदमी का भला नहीं होता, कर्मकांडों से भला नहीं होता, तो भला होता है आचरण से, सदाचरण से। ये तो ऐसी परंपराएं चली है, तो परंपरा को कुछ लोग मानते हैं और अभी भी समझते हैं कि मैं ऐसा करूं तो मेरा कल्याण होगा, मेरे घर की जो परिस्थिति बदल जाएंगी, हम लोग बीमार रहते हैं तो बीमारी दूर हो जाएंगी। तो ऐसे कुछ कर्मकांड लोग करते हैं और लोग उसके ये भी करते हैं कि कुछ जो पुजारी वर्ग होता है वो भी कहता है कि नहीं नहीं, इस करने से आपको बहुत बड़ा फल मिल जाएगा, आपको ये हो जाएगा, आपके जो जितनी भी पीड़ा है, जितनी भी दर्द है, वो ख़त्म हो जाएंगे, ये कर्मकांड करना आवश्यक है। लेकिन जो सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि ऐसे कर्मकांड से कितनी भी बड़ी मेरी मुझे परिस्थिति आए, लेकिन चाहूँगा कि जो गलत काम है तो गलत काम है, किसी पशु की बलि नहीं दी जाना चाहिए। उन्होंने बोला, कहा कि सच्चा रास्ता जो है, सही रास्ता वही है कि जो सदाचरण, सदा आचरण हमारा ठीक होना चाहिए। हमारा आचरण ठीक रहेगा तो हम घर में सब सुख शांति रहेंगे। हम कितना भी कर्मकांड करें लेकिन हमारा घर ठीक नहीं है, हमारा आचरण ठीक नहीं है तो आपके घर में सुख शांति पैदा नहीं कर सकते। जैसे हम देखते हैं कि एक परंपरा है कि कोई नया घर बनाता है तो कहते हैं कि गृह प्रवेश करना है तो पूजा होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये एक परंपरा है, इसका हम विरोध नहीं करते। लेकिन अगर वो सोचता है कि सिर्फ पूजा करने से ही मेरे घर में सुख शांति प्राप्त होती है, अगर ये समझ करके वो करता है, ये ठीक है बात कि कोई नया काम करे तो अपने महापुरुषों का विचारों का प्रबोधन हो, महापुरुषों के एक आदर सत्कार के लिए एक कार्यक्रम हो, ये बात अलग है। लेकिन अगर वो सोचता है कि मेरे घर में ये कर्मकांड करने से सुख शांति मिलती है तो गलत सोचता है। तो सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि सही सुख शांति आचरण से मिलती है। किसी ने घर में प्रवेश कर दिया, कोई उसने कर्मकांड नहीं किया, अगर उनके पति पत्नी के स्वभाव अच्छे है, आचरण ठीक है, बच्चों के आचरण ठीक है तो उनके घर में अवश्य सुख शांति रह सकती है। लेकिन जिन्होंने 5 भिक्षुओं को लिया, 10 भिक्षुओं को बुलाया और बड़ा महापरित्राण किया, रात भर परित्राण किया, तो उससे क्या उसके घर में शांति निर्माण हो सकती है? अगर उनके आचरण ठीक हो गए, अच्छे हो गए तभी उसके घर में शांति मिल सकती है। लेकिन उनके आचरण ठीक नहीं है, तो हमेशा उनके घर में कलह बना रहेगा और उनके घर में आपत्ति आते जाएंगी। इसलिए सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि सच्चा धर्म जो है सदाचरण है और स्वसंयम, नैतिक आचरण, स्वसंयम
सही में हमारा जो संयम करना चाहिए, अपने चित्त पे संयम करना चाहिए, नियंत्रण होना अपने मन पे विचारों, मन पर विचारों पर हमारे जो इंद्रिय काम करते हैं, इन सभी पे, सभी पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए, ससंयम होना चाहिए। तुम्हारे मन पर विचारों पे तुम्हारा ही नियंत्रण होना चाहिए, किसी दूसरे का नियंत्रण कैसे रख सकते हो? दूसरे का नियंत्रण हमें रखना ही नहीं, तुम्हारे हमारे जो आचरण है उसको हम स्वयं नियंत्रण में रखें। और दूसरी बात कहा कि नैतिक आचरण होना चाहिए, हमारा आचरण नैतिकता के आधार पर होना चाहिए। बुद्ध धर्म में नैतिकता को बहुत महत्व दिया है कि नैतिकता ही धर्म का सही आधार है, तो हमें नैतिकता लाना चाहिए, नैतिक आचरण होना चाहिए। और कामनों का कामना जो होती है, जो विलासी विचार होते हैं, कामभोग के विचार होते हैं, ऐसी कामना जो होती है उस कामना का अभाव यानी उस कामना को हमें छोड़ना है, इस कामना का अभाव यानी ऐसे विचारों को हमें छोड़ना है। अगर ये सब बातें हम करेंगे कि स्व संयम करेंगे, नियंत्रण में रखेंगे, हर चीज़ को नियंत्रण में रखेंगे, हमारा नैतिक आचरण ठीक रहेगा, नैतिकता पे आधार पे अपना जीवन रहेगा, दूसरा हमारा सदाचरण रहेगा, तो इससे और हमारे कामना जो है, तृष्णा है, इसका अभाव रहेगा, तो निश्चित तौर से हमारे जीवन में सुख समाधान प्राप्त होंगे। ये बात कहा कि ये नहीं कि तुम यज्ञ करो ये करो, उसके उसमें जवाब दिया उन्होंने, इस तरह से जो बातें करते थे उसका जवाब दिया कि तुम्हारा कल्याण यज्ञ से नहीं होगा, तो तुम्हारा कल्याण जो हम सदाचरण से नैतिक व्यवहार करेंगे, ससंयम करेंगे और विलासी कामनाओं को हम उसको छोड़ देंगे, त्याग करेंगे, तो हमारे जीवन में सुख शांति मिलेंगी, जिससे उत्कृष्ट फल उसका मिलेगा। दूसरे को जैसे कुछ लोग जो है दूसरों को दुख देकर अपने को सुख प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ लोगों की मानसिकता है जो स्वार्थी मानसिकता है, तृष्णायुक्त मानसिकता है, जैसे भ्रष्टाचारी लोग हैं, वो लोगों को लूट करके खुद को सुख प्राप्त करना चाहते हैं। कोई आदमी जो है वो दूसरे के पीठ पर पैर दे करके ऊंचा उठना, दूसरों का शोषण करके, दूसरे को लूट करके ऊंचा उठना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो ये जो काम है गलत है, ऐसा बुद्धिमान आदमी ने नहीं करना चाहिए। गौतम कहते हैं कि मैं भावी फल के लिए प्रलोभन नहीं चाहूँगा, भावी फल का किसी ने प्रलोभन दिया तो मैं नहीं चाहूँगा, क्योंकि ऐसे गलत कर्म नहीं करूँगा। किसी ने कितना भी कहा कि तुम ऐसा कर्म करने से भावी फल तेरे अच्छे होंगे, तो उस समय सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि मैं ऐसे गलत कर्म कभी नहीं करूँगा, चाहे मुझे किसी ने भी भावी फल के लिए प्रलोभन दिया हो, भावी फल के लिए प्रलोभन की बात की, लेकिन मैं ऐसी कर्म कभी करूंगा नहीं जो दूसरे के लिए हानिकारक हो। तो इस तरह से मेरा मन, गौतम कहते हैं कि मेरा मन भावी जीवन के सुख के लिए प्रसन्न नहीं करना चाहता, मेरे जीवन में भावी जीवन में मैं सुख प्राप्त करने के लिए ऐसे गलत कर्म नहीं करना चाहता। तो इस तरह से सिद्धार्थ गौतम ने बहुत ही अच्छी तरह से बिंबिसार राजा को हर एक जो उनके उन्होंने जो सवाल रखे थे, जो उनको बातें बताई थी, तो हर एक बातों पर, हर एक सवाल का उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से जवाब दिया, और इस उससे जो राजा बिंबिसार समाधानी हो गया। फिर राजा बिंबिसार का भी मन परिवर्तन हो गया, उन्होंने सभी बात संपत्ति के बारे में, मित्रता के बारे में, जो विलासी जीवन के बारे में, जो बाहर की जो उपयोगी वस्तु होती है उसके बारे में, भावी जीवन के फल के लिए जो कर्म करते हैं उसके बारे में,
जो धर्म का पालन करने के लिए वगैरह, ऐसे सभी बातों पर उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से जवाब दिया। और ये विषय मैंने आपके सामने रखा हूँ, तो ये विषय मैं आपके सामने इसलिए रखा कि आप ये जो चर्चा का जो विषय है, राजा बिम्बिसार को जो जवाब देने का विषय है सिद्धार्थ गौतम का, ये करीबन चार यानी चार एपिसोड में आया है। तो आप चारों भी एपिसोड जो है वो आप देखिए और उस पर आप चिंतन कीजिए, गहराई से चिंतन कीजिए। और ये बच्चे के लिए, युवा लोगों के लिए आवश्यक है। जो युवा लोगों को आपको संस्कार देना है, उनको अच्छे संस्कार देंगे तो युवा आपके सही रास्ते पे चलेंगे। चाहे वो आपके आप यानी बाहर भी रहे, लेकिन वो रास्ता नहीं भटकेंगे। तो ये जो है हमारे लिए बहुत ही अच्छी बातें जो सिद्धार्थ गौतम और बिम्बिसार राजा के बीच में जो हुई वार्तालाप हुआ, बहुत ही अच्छे तरह से हमने समझाने का प्रयास किया। तो अवश्य मुझे लगता है कि ये सारी बातें आपके समझ में आई होंगी। तो अवश्य आप यूशन बुद्धा देखते रहिए और उसमें जो बातें आपको बताई जाती है वो अवश्य सुनिए। ये चलते रहेंगे और ये एपिसोड है, हमेशा चलते रहेगा, तो आप अवश्य सुनिए। ऐसे मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।